आप देख रहे हैं TNB। एक्सरसाइज करना सभी के लिए अच्छा होता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज की शिकायत है तो एक्सरसाइज करना उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। डायबिटीज में अगर वर्कआउट ना किया जाए तो ब्लड शुगर वगैरह बढ़ भी जाता है। लेकिन अगर डायबिटीज है किसी को और वो वर्कआउट करता है तो उसके बड़े फायदे हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कम होना, एनर्जी बढ़ाना और बेहतर नींद लेने में मदद करना आदि। जिन लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग हैं, वो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। इसलिए इसके मरीजों को रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो डायबिटीज को कम करने में मदद कर सकती है, तो आइए इस बारे में भी जानते हैं, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले है चलना, यानी कि वॉकिंग। ताजी हवा में वॉक करने से स्ट्रेस लेवल जो है कम होता है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत है और अगर वो सप्ताह में 3 से 4 बार 30 मिनट वॉक करता है तो उसे डायबिटीज को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। दूसरा है डांस। अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 3 दिन 25 मिनट डांस करता है तो ब्लड शुगर और स्ट्रेस को कम करने में काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही उसकी कैलोरी भी बर्न होगी, जिससे वजन कम होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। मोटापे से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अगर आप सभी डांस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तीसरा है स्विमिंग। स्विमिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है। इससे शरीर के ज्वाइंट पर लोड नहीं आता। ये अपर और लोअर बॉडी के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। और हमारी माने तो कुछ हफ्तों में और कुछ दिन में स्विमिंग जो भी करता है उसे कोलेस्ट्रॉल कम करने और डायबिटीज को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करेंगे योगा के बारे में। एंड्रोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में सितंबर 2018 में पब्लिश हुए एक रिव्यू के मुताबिक जब तनाव का स्तर अधिक हो जाता है तो अपने ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। योग करने से स्ट्रेस कम होता है, इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को तनाव कम करने के लिए योग भी करना चाहिए। अंतिम में आप सभी को बताना चाहेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, यानी कि वेट ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। अगर कोई अपनी डेली रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल करता है तो उसकी ब्लड शुगर तो कम होती ही है, साथ ही साथ कैलोरी बर्न भी होती है और इसके साथ ही मसल्स मास को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसलिए चाहे तो जिम में जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर घर में ही कुछ इक्विपमेंट्स खरीदकर उनके एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप सभी की कैलोरी बर्न होगी और आप सभी साथ ही साथ फिट रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो और इसके साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करेंगे और खुद को फिट रखेंगे। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।